नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं सिंपल हेयर कट कर रहा हूँ, ग्रास कट है बट ये सिंपल तरीके से है, आप लोग को इजी लगेगा करने के लिए। तो सबसे पहले दो नंबर का कैफ है, इससे आप ट्रिम करना है। इसमें लेयर नहीं है दोस्तों, किसी को लेयर नहीं पसंद आता है, तो आप लोग उनका हेयर कट कैसे करोगे अपने क्लाइंट का, तो उसके बेसिक पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। सबसे पहले दो नंबर कैफ मारना है अच्छे से, और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर आप सीखते हैं तो आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आप ऐसा वीडियो मिस करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए, पहले आपको दो नंबर कैप से अच्छे से इसको फिनिशिंग दे लेना है, अच्छे से कर दो फिनिशिंग। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, सेम फॉलो कर लीजिए। देखिए ये दो नंबर कैप है, ये एक नंबर और दो नंबर से है और बहुत अच्छा लुक आता है। देखिए फिनिशिंग देखिए कैसे करो, ये तरीका आपको सीखना चाहिए दोस्तों। सभी लेयर फैट ड्रॉप और स्लोप ये सब नहीं करते, कुछ कुछ होते हैं जो मीडियम में हेयर रखते थे। ये फिर उसके बाद दो नंबर कैप मारने के बाद ये एक नंबर का कैप है, एक नंबर से आपको ट्रिम करना है। देखिए हमने इसमें जीरो ज़रा भी यूज नहीं किया, एक नंबर और दो नंबर कैप से इसकी सेटिंग हमने की है। ये हेयर कट का ग्रास कट है, इसको आप मीडियम ग्रास बोल सकते हो दोस्तों। देखिए इजी तरीका है, ऐसा हेयर कट भी आप करके और बेसिक तरीके से आप सीख सकते हो और अच्छा लुक देंगे आप लोग ऐसे करने के बाद। ये देखिए इसका सेटिंग पीछे लिया, इसको मैं जितना नीचे नीचे का साइड का बाल है इसको हम क्लीन कर देते हैं। ये देखिए फिनिशिंग कर देते हैं। सिर्फ एक नंबर और दो नंबर का कैप है दोस्तों, याद रखना है। अगर आप मीडियम है हेयर कट करते हैं, जिनको कोई लेयर फैट स्लोप नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये कट बहुत बेहतरीन लगता है और बेसिक भी वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ये हेयर कट। तो आपको ये हेयर कट सीखना चाहिए दोस्तों। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। सेम प्रोसीजर दोस्तों इधर भी वैसा ही करना है। ये देखिए जहाँ से मैंने अभी फनी लगा के दिखाया था, कंघी लगा के वहीं तक करना है। ये देखिए वैसे ही करना है, सेम आराम आराम से करिए, बहुत इजी कट है। और आप लोगों को ये हेयर कट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट लगेगा और बहुत बेहतरीन इजी हेयर कट ये कर पाएंगे। और दोस्तों मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, कोशिश करता हूँ अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए और हमेशा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं आप तक पहुंचाने के लिए, बस टाइम का इशू हो जाता है दोस्तों। जैसे मुझे लगेगा टाइम मिलेगा और मैं आप लोगों तक ज़रूर वीडियो पहुंचाऊंगा। ऐसे ही करते रहो, सीखते रहो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे हेयर कट के रिलेटेड। आप लोग हेयर कट में क्या सीखे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग अपने क्लाइंट के ऊपर ट्राई करते हैं, कैसा आपको उधर से रिस्पांस आता है, आपका क्लाइंट क्या बोलता है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये देखिए एक नंबर कैफ, इसका सेटिंग पीछे लिया, सिर्फ इसको क्या स्लोप करना है दोस्तों, इसको मीडियम स्लोप करना है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग सेम फॉलो करते रहिए, बहुत ईजी हेयर कट है। आप ज़रा भी इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये हेयर कट करने में, इजी तरीके से आप कर सकते हो। बहुत आसान है दोस्तों, एक नंबर दो नंबर कैप ट्रिमर चलाना बहुत आसान है, इसमें कुछ ये नहीं है। देखिए फिर से हम जो पीछे का हेयर है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, मैचिंग कर देते हैं। देखिए और आप लोगों की जो मांग है उस पर काम चल रहा है, ज़रूर आप तक वो पहुंचेगा। आप लोग को फेशियल क्लीनअप कलर्स के जो हैं वो आने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, ज़रूर मैं पहुंचाऊंगा। बस ध्यान दीजिए, ये इजी है एकदम। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा हेयर कट डालूं, फिर मैंने सोचा कि ऐसा हेयर कट तो मैं आप लोगों तक शायद एक दो वीडियो पहुंचाया, तो चलो ये वीडियो डाल देता हूं।
तो आप लोग ये सब सभी चीज़ सीखना चाहिए दोस्तों। और ज़्यादातर काम आजकल जो है ना सब ट्रिमर से होता है, मोस्टली आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों। यहाँ पे तो आपको पता है, आप सीजर मारो या यहाँ पे ट्रिमर से कट मार दो जैसे आपको सही लगे। देखिए मैं ट्रिमर से कैसे कट मार रहा हूँ। यहाँ पे आप ये राउंड, इसको बोलते हैं हम राउंड, इसको राउंड बनाना बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। तो ये राउंड भी आपको सफाई से देना है, क्योंकि जितना सफाई से देंगे उतना हेयर कट में हमारा फिनिशिंग दिखता है, ये इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। देखिए, और ऐसा ट्रिमर आप ज़रूर ले लो। ट्रिमर से क्या, आप लोगों ट्रिमर चलाना आप सीख गए तो सब सभी चीज़ आपको आसानी से करना आ जाता है। ये आपके हाथ का कला है, ट्रिमर का कोई काम नहीं है, बट ट्रिमर ज़रूरी है काम के लिए। ये आपका हाथ का कला है दोस्तों, आपका हाथ कैसा चलता है हेयर कट में उसके ऊपर डिपेंड करता है, वैसा आप अपने क्लाइंट को लुक दे सकते हैं। और आप अपना जो टेक्निक है वो ज़रूर यूज करिए अपने हिसाब से। ये देखिए, अभी हम रेज़र मारे, थोड़ा थोड़ा इसको शार्प में मारना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा मारना है, जितना आप शार्प और सफाई से ये लाइन देंगे उतना अच्छा। ये तो हेयर कट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस टाइप से हेयर कट रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे आप फिनिशिंग दे सकते हो। आप लोगों ने भी देखा है कैसा फिनिशिंग रहता है, कितना शार्प लाइन रहता है। तो ये हेयर कट के ऊपर होता है, ये हमारा मीडियम हेयर कट है, तो उसके हिसाब से इसमें ज़्यादा लाइन सफाई नहीं दिखेगी दोस्तों। बाकी देखने के लिए हेयर कट अच्छा दिखता है मीडियम में। देखिए कैसे चला रहा हूँ रेजर, हाथ मेरा कब कहाँ कैसे घूमता, वो चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी ये कान को थोड़ा सा हाँ उंगली से फिंगर से उसको प्रेस कर लीजिए, फिर निकाले नहीं तो लग जाता है। ये देखिए, कान की सेफ्टी हमारे हाथों में रहती है और गलती हो जाती है, इसलिए आपको कभी भी कान के पास का ध्यान से ही करना है ताकि लगे ना, और वहाँ पे आपको पता लग गया तो ब्लड भी निकलता है, इसलिए ज़्यादा रुकता ही नहीं है ब्लड, ज़्यादा ब्लड निकलता है, इसलिए आराम से करना है ध्यान से। कान का सपोर्ट कभी भी आपको अपने फिंगर से देना है कान को, कि ताकि लगे ना ज़रा भी। और बहुत इजी हेयर कट है, आप लोग ज़रूर इसको, ऐसा हेयर कट करने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर पाएंगे दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे कर रहा हूँ। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा फिंगर से आप ऐसे कट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा लेके, देखिए आराम से करिए, बहुत इजी है, हो जाएगा अच्छे से हेयर कट। और ये मीडियम ग्रास है दोस्तों, मीडियम कट है, इसमें हमारा लेयर फैट कुछ नहीं है। देखिए, थोड़ा थोड़ा ही लेके कट करना है ताकि ग्रास कट हेयर हमारे खड़े रहें बरोबर। देखिए, अब यहाँ से आपको ब्लो ड्रायर करना है, अच्छे से ब्लो ड्रायर कर लो। हमारे ब्लो ड्रायर से ही लुक आता है जब हम ऊपर के हेयर सेट करते हैं प्रॉपर। ये देखिए, इजी है, बहुत तरीके से मैंने आपको बताया, डायरेक्ट भी आप मार सकते हो और थोड़ा थोड़ा लेके सेंक्शन में भी ब्लो ड्रायर कर सकते हो दोस्तों। देखिए, आराम से करना है, हो गया ब्लो ड्रायर प्रॉपर। देखिए, हमने आगे का भी हेयर नहीं निकाला, मैंने आपको बताया मीडियम है, बेसिक कट है, ज़्यादा ये नहीं है, स्टाइलिश नहीं है। देखिए, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप वैक्स हो या आपके पास जेल हो वो अप्लाई कर दो, लगा दो प्रॉपर, तो उससे क्या ग्रास आपका हेयर खड़ा रहता है, अच्छा दिखता है। देखिए, अभी हम ये वैक्स लगा रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।